हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधि। मेरा कोई नहीं है, संसार के प्राणियों के वजह से जिनको मैंने संपूर्ण जीवन दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, अंत में प्रभु कोई काम नहीं आया, सब त्याग कर चले गए। जो मेरा था, जिसको मैं भूल बैठा था, प्रभु अंत में बस आप हो, आप ही सहारा हो, दूसरा कोई नहीं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधान। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधान। हे गोविंद, अब रक्षा करो। और मेरी गलती क्या है बताओ? मैं तो अपना धर्म निभाने के लिए, उधर की पूर्ति के लिए आया, क्या गलती है मेरी? नीर पीवन है भरण पोषण करने के लिए आए हैं ना, हमारी क्या गलती बताओ ना? हम यदि संसार में आके माया में ना फंसे तो परिवार नहीं चलेगा, और परिवार नहीं चलेगा हमारा कुछ नहीं है, तेरा ही काम अटकेगा। हम अपना कर क्या रहे हैं? हम तेरा काम कर रहे हैं, तेरी सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, और तू ही हमारा सहारा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले भाया, ले गया मझधार।
था, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था और अंत में प्राण त्याग। चार प्रहरी तो युद्ध होता है और समय के भी चार प्रहर होते हैं। उस चार प्रहर में हमारी स्थिति क्या होती है, और जब अंतिम प्रहर में आते हैं तब क्या होता है? नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। भगवान के कान में पुकार गई, भगवान ने कहा कोई भक्त बुला रहा है, चलो। गरुड़ से कहा जल्दी चलो, गरुड़ को अभिमान हो गया, देखो त्रिलोकी का नाथ मेरे बिना एक पैरागिरी नहीं बना सकता। भगवान ने कहा भैया गज को बजाने से पहले गरुड़ को बजाना पड़ेगा, कहीं इसको अभिमान आ गया तो मेरी सवारी मुझसे छूट जाएगी। सूरदास जी वर्णन कर, द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो द्वारे, चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ जे सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ कहिए सिधारे। नंद के दुलारे, अब की बेर तेर सुनो, नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन आ Oh,
मधुर भजनों का आनंद लेने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना भजन को और सुनिए लेटेस्ट भजन।